तो फाइनली यहीं पर है तोप। सब लोग फोटो खिंचाने में लगे, तोप कोई नहीं देख रहा। और सही में इतनी बड़ी तोप है, पता नहीं इसको ऊपर कैसे लाए होंगे। और जहाँ तक मुझे पता चला, ये जिंदगी में एक ही बार यूज हुई है अपने टेस्टिंग में। सब कुछ लोखंड का बना हुआ है। हाँ अच्छा, कौन सा ये बता भाई, ये वाले हो। पीछे भी सेम सेम ये चार दो हो गए ना, पीछे भी और तोप के जस्ट साइड में से ही ये नीचे का व्यू दिखता है, जो यहाँ से हमें नजर आ रहा है जल महल। ये वाला ये जल महल है, पानी के बीच में बना हुआ है। जाते टाइम पर एक बार वहां रुक के भी जाएंगे। अरे छोड़ना, तेरी फोटो का क्या करेगा। ये रोड कहाँ से, ये इधर से ही आया था क्या हम रोड से? नहीं। तो वहां से कैनन के बाद ये फोर्ट की बाउंड्रीज हैं, इसको देखते हुए आ सकते हैं। और ये आ गई इसके बस उधर में ही आमेर फोर्ट है। और यहाँ से आपको दिखाएंगे आमेर फोर्ट, अबे यहाँ से नहीं दिखेगा। की पार्किंग पूरी तो सुन। अबे वो उस झील का, वो पॉन्ड का नाम क्या था जो नीचे था? अरे खिड़की है, यहाँ से दिखेगा कुछ अच्छा। अबे उधर 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 से दिखाओ व्यूअर्स को, आमेर फोर्ट दिखाई। आमेर फोर्ट तो यहाँ से भी नहीं दिख रहा, कोई नहीं, हम आपको आमेर फोर्ट दिखा के रहेंगे। हाँ आगे कोने वाले से दिखाऊंगा आमेर फोर्ट, आज आमेर फोर्ट दिखाए बिना नहीं जाऊंगा। आगे चलते हैं। प्रमोद सिप्सा, हेलो भाई प्रमोद भाई, क्या हाल। और ये रहा आमेर का फोर्ट, बोला था ना दिखा के रहूंगा। ये आमेर फोर्ट ऊपर से, ये व्यू आपने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा होगा और ना ही देखोगे। हाँ और ये वाला भी नहीं। तारों का जंजाल। और मैं तो कहता हूँ सीधा जयगढ़ फोर्ट आओ, आमेर फोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं, ऊपर से देख लेना। आमेर फोर्ट दुनिया का सबसे वाहियात फोर्ट में से एक है। अरे सही में भाई, ये एक इन्फॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ। वो जाना ही है तो बिना गाइड के मत जाइएगा। हाँ उसके बिना कुछ समझ नहीं आएगा। वैसे तो यहाँ भी कुछ बहुत ज्यादा नहीं आएगा, लेकिन फिर भी ठीक है, यहाँ पे समझने वाली कोई चीज ही नहीं है। आमेर फोर्ट तुम्हें बोलूंगा कि जाना प्रेफर मत ही करना, अगर लिमिटेड टाइम है तो। दिखा दिया पेशाब करने के लिए आई है। हाँ कर ले कर ले। हाँ वीडियो देखो, सारी वीडियो ऑन है। कर ले यार पेशाब कर ले यार, बड़ा व्यू आ जाएगा यहाँ से, शुगर ले यार। और यहाँ कितनी ठंडी हवा आ रही है भाई, ये सारा पौधे है ना इसलिए। देखिए हाँ मैं फोर्ट देखिए, और नीचे देखो सीढ़ियाँ भाई। तो ये आगे से थोड़ा राइट लेने के बाद आया यहाँ पे तोप कारखाना, कैनन फाउंड्री। यहाँ पे तोप बनाई जाती थी, फिर तोप बनाई गई है, यहीं पे बनाई गई है। ये देखो ये तोप के टूटे हुए अंश। अरे ये रहा वो पॉइंट, ये पॉइंट बहुत बढ़िया लग रहा था, हमने बहुत दूर से देखा था, एकदम ऊपर है और इसमें बड़ी ऊंची कोई बाउंड्री भी नहीं है। अरे हाँ यहाँ पे भी है कुछ व्हील्स।
अरे ये मुझे लग रहा है ये बजरंग वन वन तोप का पहला प्रोटोटाइप है, छोटा है, बिल्कुल सेम है ना, बिल्कुल सेम है। अब यहाँ देख वो हुक्स भी सेम है, और ये तो मुझे रिस्टोर्ड भी नहीं लग रहे, और ये कुछ पहले के व्हील्स होंगे शायद लकड़ी वाले, लेकिन इनको तो यार बड़ी खराब हालत में रखा गया है, यहाँ पे पानी वानी आता होगा, धूल आ रही है। बजरंग वन डेकोरेटेड विथ टू डॉल्फिन्स दिस प्रेस्टीज कैनंग बजरंग वन। अच्छा, यह तोप अंदर रखी रहती थी और लड़ाई के समय 32 बेलों से खींच कर अबे अच्छा हाँ सॉरी बेल ही होगा वो नहीं अबे किसी ने उसके ऊपर मात्रा भी लगा रखी से खींच कर बुर्ज पर चढ़ाई जाती थी। अश अरे हिंदी में पढ़वा रहे, अष्ट धातु की बनाई इस तोप की नाल पर दो बड़ी सुंदर मछलियां बनी हैं और इसे खींचने वाली गाड़ियों गाड़ियों भी साथ हो ही अबे क्या लिखा है प्रदर्शित हैं, और सन पता नहीं कौन सा लिखा है, 1694। और मछली कहाँ बनी है, अरे ये रही ऊपर ये मछली है, ये दोनों मछली गैरिसन कैनन है, एग्जांपल है, एग्जांपल ऑफ गैरिसन कैनन। ये इस फोर्ट में एक पॉइंट है जहाँ से बिल्कुल क्लियर ये आमेर फोर्ट नज़र आता है, और आमेर फोर्ट में से एक टनल होती है जो कि जयगढ़ फोर्ट को कनेक्ट करती है, जब एनिमीज ज़्यादा पुश करते हैं या फिर एस्केप करने का टाइम आ जाता है वॉर के टाइम पर। तो मुझे कंफर्म तो नहीं पता, लेकिन शायद यही वो टनल है क्योंकि इसमें लिखा था वो पहले अंडरग्राउंड होती है और बाद में रूफलेस हो जाती है, तो यही है टनल, और ये नीचे देखो यहाँ से कनेक्ट कर रही है, ये जो एक गेट बना है यहाँ से कनेक्ट कर रही है, और उसके बाद यहाँ से पूरा ऊपर लेके आ रही है, ये रास्ता आ रहा है और ये सीधा जयगढ़ फोर्ट में ले जाता है। अभी यहाँ पर हम थोड़ा फोटोज वगैरह खींचते हैं और फिर आगे चलते हैं। तो वो वाला हम सारा एरिया घूम के आ गए हैं, और यहाँ पर एक ये टेम्पल है, छोटा सा है, बहुत बड़ा नहीं है, उसका नाम है मंदिर श्री राम हरि जी, श्री हरि राम मंदिर नहीं, श्री राम हरि जी मंदिर। और यहाँ पानी वानी की चीज़ें हैं और ज़्यादा कुछ नहीं है, छोटी मोटी शॉप्स हैं खाने की। तो हम अब एग्जिट कर रहे हैं यहाँ से, अब आगे चलते हैं। तो वापस हम लोग पार्किंग में आ गए हैं, हेलमेट हमने ले लिए, अब बाइक दोनों पे अकेले अकेले आए थे हम, तो अब वापस चलते हैं और अब सीधा होटल जाएंगे। अब थक गए हैं, नाहरगढ़ और जयगढ़ दोनों एक साथ घूम के अब होटल जाएंगे, फिर शाम को देखते हैं कहीं पे जाएंगे। तो ये जल महल के पास हम रुके हैं, कल फ्राइडे था तो कल तो यहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, एकदम खाली था, बहुत कम लोग खड़े थे, आज एकदम पूरी मार्केट भी लगी है और लोग भी बहुत सारे हैं। और ये सामने जल महल है, यहाँ से दिखाता हूँ, ये सामने जल महल है, और ये चारों तरफ पानी से कवर्ड है। ये कपड़े की चेन वुडन चीजें, कुछ खाने की भी चीजें हैं, और पर्सेस बैंगल्स कैप्स ये सब इस मार्केट में मिल रहे हैं। बस यहाँ पे 5-10 मिनट रुकेंगे, उसके बाद होटल चलते हैं।